What's up? Welcome to the YouTube channel. So, आज हम जाएंगे कुर्ला मार्केट. Actually, कुर्ला मार्केट जाने का रीजन ये है कि दोस्त की बाइक का सम स्पेयर पार्ट देना है. अक्सर हमारी बाइक खराब होती है तो हम जाते हैं एक्सपेंसिव सर्विस सेंटर. कुछ कॉस्ट ज्यादा ही होता है वहां. सो इफ यू वॉन्ट, अगर आपको चाहिए सस्ते में अच्छा सामान रिगार्डिंग योर ऑटोमोबाइल, सो यू मस्ट डेफिनेटली विजिट दिस कुर्ला मार्केट इन मुंबई. सिंपल, जाने का तरीका सिंपल है भाई. रोड जाओ, गूगल करो, कुछ भी करो. अगर भाई ट्रेन जा रहे हो तो वेस्ट में उतर के चलते चलते जाओ, पूछते जाओ, आपको मिल जाएगा कुर्ला मार्केट. सो लेट्स सी बैक टू द कुर्ला मार्केट. वेट, जाने से पहले आज हम जाएंगे हमारी बाइक से. तो जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा. राइडिंग गियर्स आर नॉट, सो one more thing is missing. Oh, helmet is zaruri hai, safety is priority. Wow. आप देख सकते हैं कुर्ला का चोर बाजार है. और जो काम के लिए आए थे वो काम है बाइक का पार्ट लेना. तो इसकी एक बाइक स्कूटर होंडा डियो, तो इसकी फेयरिंग को सब लेना है. और ये ही वो जगह ऐसा देख सकते हैं. ये पूरी लेन स्टार्ट होती है कार्स की, तो हमें लेना है बाइक के पार्ट. तो बाइक के पार्ट के लिए आपको इधर आना होगा. कैस्ट्रोल का है और इसके अंदर फिर ये किस्मत नगर वेलफेयर एसोसिएशन. तो ये लेन के अंदर आपको बाइक के पार्ट मिलेंगे. चलो जाते हैं इधर. फाइनली ले लिए जो चाहिए था. फ्रंट डीओ की फेयरिंग, पीछे की रेयर फेयरिंग और मडगार्ड. ओवरऑल कॉस्ट पड़ा 1600. उसने बोला था 1815, बट बार्गेनिंग करके हम लोगों को 1600 तक मिल गया. सो आप भी आके यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं. अगर बार्गेनिंग स्किल डिपेंड अच्छी थी तो सस्ते में अच्छी डील मिल सकती है. सो अब नेक्स्ट है डबल स्टैंड घूमने का. कहाँ पे मिलेगा तो देखते हैं. डबल स्टैंड कहाँ पे मिलता है, थोड़ा मार्केट फिरते और डबल स्टैंड की भी शॉपिंग कर लेते. तो फाइनली दिन खत्म हुआ. जो काम था वो भी कर लिए, बाइक के पास ले लिए और आ गए घर. तो बेसिकली होता क्या है कुर्ला मार्केट चोर बाजार में, नाम है चोर बाजार, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको चोरी का सामान मिलेगा. आपको मिलता है सामान, बाइक के सेकेंड हैंड पार्ट्स मिलते हैं, कार्स के सेकेंड पार्ट मिलते हैं, फिर बहुत कुछ मिलता है. बट ये मत समझो कि सब चोरी का होता है. एक्चुअली लोग का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है. इन लोग क्या करते हैं, स्क्रैप से उठाते हैं, जो भी बाइक का कार का स्क्रैप होगा वो सामान उठाते हैं, उसको जस्ट रिवार्निश करते हैं, उसको थोड़ा कंडीशनिंग करते हैं और बस सेल आउट करते हैं. काफी सिंपल और अच्छा है. और मैं सब्सक्राइबर पीछे
सो और अच्छा है, और मैं सबसे ज्यादा पीछे सो काफी अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स है. सो थोड़ा नॉइस था, लेकिन अगर आप चाहो तो आप जाके ले सकते हो. लेने से पहले आपको जस्ट मार्केट में देखना पड़ेगा कि आप जो पार्ट सर्च कर रहे हो कितने कॉस्टिंग तक पड़ता है, तो सेकेंड हैंड के हिसाब से. बट सेकेंड हैंड से अच्छी कंडीशन में, लोग अच्छे तरह से बोलते हैं रिकंडीशनिंग करते हैं, तो आपको लगेगा नहीं कि सेकेंड हैंड है, बट आपके ऊपर है. उसमें आपको 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 डुप्लीकेट भी मिल सकता है और जेन्युइन पार्ट भी मिल सकते हैं. तो सो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए और उस हिसाब से आप बार्गेनिंग करना चाहिए. सो वही अब तक के लिए यही था बस.